हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्शन रिएक्शन इंडिया। इंडिया। टुडे विथ अस तंजा हाय। एंड वी आर गोइंग टू रिएक्ट अनदर वीडियो ऑफ रिएक्शन इंडिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, वो होने वाला है कि इंडिया भाई फाइनल में पहुंच चुका है। फाइनली फाइनली पहुंच गया। फाइनल फाइनल वर्ल्ड कप में पहुंच चुका है। सेमीफाइनल में पिछली बार जो है नहीं पहुंच पाया था, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गया था, लेकिन इस बार उसका बदला लिया है और काइंड ऑफ कह सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी का भी बदला लिया है। बिल्कुल, तो एज अ इंडियन हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत ज्यादा। लेकिन लेकिन सामने जो हमारे बगल में पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां की पब्लिक क्या सोचती है और क्या कहती है। जो हमारे वीडियो का टाइटल है वो है इंडिया इन फाइनल इन वर्ल्ड कप 2023 एंड पाकिस्तान क्राइंग रिएक्शन। सो लेट्स गो टू वॉच। फिक्स कैसे हो गया ना भाई, उनके बॉलिंग भी तो बड़ी डेंजरस है, ब्लॉक बॉलिंग कर रहे हैं, स्कोर तो किसी को मारने नहीं दे रहे। ऐसे कि पिच उन्होंने अपने हिसाब से बनाई है, कोई दूसरा खेल नहीं सकता उस पिच पे। जो भी खेल रहा है 150-200 बना रहा है, इंडिया 400 बना रहा है और 150 रन पे आउट कर रहा है। क्या मसला है ये, वो दुनिया खेलने वाले खिलाड़ी है। पिच पे चिप लगा रखी है। अच्छी अच्छी टीमें हैं, 10 टीमें, 10 टीमें हैं, 10 टीमें हैं, 10 टीमें बॉलिंग में चलेगा ना, कोई तो बॉलिंग में चले। और इंडिया 10 के 10 मैच इस वजह से जीता है कि उनकी मैनेजमेंट अच्छी है। अभी कोहली कैप्टन नहीं है, मगर कोहली को अभी खुल के चांस मिला है, मौका मिल रहा है। आज भी 117, आज 117 स्कोर मारा है और दूसरे प्लेयर ने भी सेंचुरी की है। दो प्लेयर ने सेंचुरी की है। अभी उनकी बॉलिंग लाइन भी अच्छी है। श्रियाज आय ने सेंचुरी मारी है और शुभमन गिल 80 पे नॉट आउट है। 80 पे नॉट आउट, अगर मौका मिलता वो भी सेंचुरी वो भी वो भी सेंचुरी बना लेता। और बात ये है कि उनकी मैनेजमेंट जो है ना, जैसे रोहित शर्मा टीम को अच्छी तरीके से लेके चल रहे हैं, इस हिसाब से न्यूजीलैंड ने मेहनत तो बहुत की है, मगर क्या है कि होम ग्राउंड इंडिया का है। मैच फिक्स होता है, मैच फिक्स होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच फिक्स था। हम ये क्यों नहीं कहते भाई हमारे खिलाड़ियों ने परफॉर्म नहीं किया, जल्दी जल्दी इल्जाम लगा देते कि मैच फिक्स था। कैसे परफॉर्म करेंगे आप मुझे बताएं ना, आप क्रिकेट देखती हैं? हाँ, आप मुझे बताएं कैसे परफॉर्म करेंगे आप? कैसे परफॉर्म करेंगे, जैसे इंडिया कर रहा है वैसे परफॉर्म वैसे नहीं कर सकते ना। आप एक इंडिया की मैनेजमेंट देखें और दूसरी पाकिस्तान की मैनेजमेंट देखें, बहुत फर्क है। हम तो कहते हैं हम उनसे ज्यादा जहीन लोग हैं, फर्क कैसे आ गया? वो नाम के टूर्नामेंट का विराट कोहली बेस्ट प्लेयर है अनुष्का के लिए। अनुष्का अनुष्का को देख के ही वो खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है अभी। हाँ, जब कैप्टन था अगली बार, जब वर्ल्ड कप में अनुष्का बैठी हुई थी, जब कैप्टन था तब वर्ल्ड कप हार गया था। इस बार कैप्टन नहीं है मगर अच्छी परफॉर्मेंस दी है। विराट के लिए हम बेस्ट विशेष है हमारे लिए। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो कि एक बहुत ज्यादा टफ मैच था और सब कंसिडर कर रहे थे कि न्यूजीलैंड जो है, अगर पिछले वर्ल्ड कप की बात करें तो उसने इंडिया को जो है हरा दिया था। आज इंडिया ने 397 स्कोर मारा और न्यूजीलैंड कुछ भी ना कर सका, इतना बेबसी से हारा, क्या कहेंगे? जैसा कि आज इंडिया खेला है वो काबिले तारीफ है और वो डिजर्व भी करता है। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। बैट्समैन जो परफॉर्म कर रहे हैं इट्स वेरी वेल और उनकी जो ये मेहनत का फल है। अगर हमारी टीम भी इस तरह खेलती तो उनको भी अल्लाह ताला जो ये कामयाबी अता फरमाता। बिल्कुल हाँ, ये इनकी जो है वो इंडिया की मेहनत जो है वो रंग लाई है और ये डिजर्व करता है कि वो वाकई में फाइनल में जाने के लिए डिजर्व करते हैं। अगर हम इंडिया के मैच की बात करें, इंडिया ने 10 मैचेस खेले, 10 के 10 जो है उसने जो है विन कर लिए, लेकिन हर मैच उन्होंने ऐसे खेला जैसे हर मैच उनके लिए फाइनल है। वो जज्बा, वो लगन, वो पैशन और जो डेंजरस किस्म की उनकी ने बॉलिंग दिखाई है ना वर्ल्ड कप में, पूरी दुनिया फैन हो गई है। बिल्कुल, वो उनके देखें, उनके पास जो है बहुत प्लेयर हैं, उनके बड़े बड़े प्लेयर उनके खेल रहे हैं। रोहित शर्मा जो है वो आपको पता है कि जिस तरह उसने वर्ल्ड कप में 2019 के वर्ल्ड कप में जिस तरह परफॉर्म किया इट्स वेरी वेल। और इस बार जो है विराट कोहली ने जो है वो पूरी तरह डोमिनेट किया है। तो जब आपका बड़े प्लेयर्स होते हैं तो आप जो है किसी भी टीम को जो है शिकस्त दे सकते हैं। इंडिया तो फाइनल में पहुंच गया, इंडिया फाइनल पहुंच गया। अब ये कि इंडिया मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के लिए भी जो है फेवरेट होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है मेरे ख्याल में इंडिया जीतने वाला है। ख्याल है, अब तो मुझे 10 के बाद मुझे लगता है कि अब सबकी बस होगी। अब बात ये कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो रह गया है, अगर उसमें ऑस्ट्रेलिया आता है तो वो थोड़ा टफ टाइम दे सकता है इंडिया को। लेकिन साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया ही आएगा 100%। 40 और आपका ये कहना है कि फाइनल जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का? मुझे जो है फाइनल जो है दिख रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेल रहे हैं। मैं विराट कोहली का फैन हूँ, विराट कोहली ने अच्छा स्कोर मारा है, इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा फाइनल भी, इंडिया वर्ल्ड कप लेके जाएगा। इंडिया 10वां मैच भी जीत गया, क्या कहोगे? इंडिया 10वां मैच जीता है, अच्छा खेला है, पिच के हिसाब से भी अच्छा खेला है, पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छा खेला है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया ने बड़े रन रेट से मारा पाकिस्तान को, तो इस हिसाब से इंडिया की पिच भी अच्छी है और इंडिया का मैच इंडिया में हो रहा है। ज़बरदस्त मैच खेला है, विराट कोहली
ने बहुत अच्छा खेला, हर मैच के अंदर अच्छा खेला, अच्छा स्कोर मारा है। पाकिस्तान के खिलाफ भी, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, बांग्लादेश के खिलाफ भी अच्छा स्कोर मारा है। चलो ये बताओ, हम कह रहे थे कि जो है इंडिया और जो है न्यूजीलैंड का बड़ा तगड़ा मुकाबला रहेगा, लेकिन इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 397 रन बना दिए, इतना हाई टारगेट दे दिया कि वो मेरे ख्याल से कर ही नहीं सकते थे। क्योंकि विराट कोहली ने अच्छा टारगेट मारा, वो उनके 10 टीमों के खिलाफ, 10 बंदों के खिलाफ वो अकेला ही काफी है। एक तरफ 10 प्लेयर और दूसरी तरफ विराट कोहली, जी जी बराबर है, बराबर है, सही कह रहे हो, इंशाल्लाह सही है। अच्छा तो फाइनल का क्या बनेगा? फाइनल, सेमी फाइनल तो ले गया इंडिया, फाइनल में भी इंशाल्लाह विराट कोहली 200 रन से खेलेगा। इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही है जी? बेस्ट। सेमीफाइनल भी जीत गया? बेस्ट। फाइनल? फाइनल भी इंडिया का ही है। ये क्या वजूहत है जी? आप ये देखिए, वर्ल्ड कप के अंदर ही एक रिकॉर्ड है कि 10 मैच खेला है, 10 के 10 जीता है और बड़े अच्छी परफॉर्मेंस से जीता है। वो अपना दरअसल बात ये है कि विकेट इंडिया की है, ठीक है। अब इंडिया अपनी विकेट बहुत तरीके से बनाता है ना, बॉलिंग विकेट भी होती है और बैटिंग विकेट भी होती है। अब दूसरा एक है, अगर पाकिस्तान की बात कर लें, आप हमारे लोग फिक्सिंग बहुत करते हैं, मैच फिक्स होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच फिक्स था। हम ये क्यों नहीं कहते भाई हमारे खिलाड़ियों ने परफॉर्म नहीं किया, जल्दी जल्दी इल्जाम लगा देते कि मैच फिक्स था। कैसे परफॉर्म करेंगे मुझे बताएं ना, आप क्रिकेट देखती हैं? हाँ, आप मुझे बताएं कैसे परफॉर्म करेंगे आप? कैसे परफॉर्म करेंगे? जैसे इंडिया कर रहे वैसे परफॉर्म वैसे नहीं कर सकते ना। हाँ। अगर आप एक इंडिया की मैनेजमेंट देखें और दूसरी पाकिस्तान की मैनेजमेंट देखें, बहुत फर्क है। हम तो कहते हैं हम उनसे ज्यादा ज़हीन लोग हैं, फर्क कैसे आ गया? वो नाम के। हाँ। वो नाम के। तो काम का कौन है? काम का तो बेस्ट समझ लें कि जो अच्छा काम करना जानता है, जो अच्छा काम करना जानता है उसकी वैल्यू। फाइनल की क्या प्रेडिक्शन है? वर्ल्ड कप सारा पाकिस्तान देख रहा है, तो इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। आपसे बात करेंगे, न्यूजीलैंड को भी इंडिया ने ना बहुत बुरी तरह हरा दिया। न्यूजीलैंड को इसके लिए हराया है कि भारत जो टीम है आजकल फुल फॉर्म में चल रही है। पहले उनकी बैटिंग लाइन अच्छी थी, अभी जो उनकी बॉलिंग लाइन जो है ना वो जबरदस्त है। जैसे बुमराह है, शमी है, ये वो फुल फॉर्म में चल रहे हैं। शमी ने तो 7 विकेट लिए भाई। 10 मैच इस वजह से जीता है कि उनकी मैनेजमेंट अच्छी है। अभी कोहली कैप्टन नहीं है, मगर कोहली को अभी खुल के चांस मिला है, मौका मिल रहा है। आज भी 117 आज 117 स्कोर मारा है और दूसरे प्लेयर ने भी सेंचुरी की है। जीतेगा इंडिया वर्ल्ड कप, अभी सारी दुनिया बोलेगी इसमें जो है मिलीभगत हुई है, पिछली इंडिया के हिसाब से बनी है। कोई इसमें कितने फंडेकार भी हुए, सब मार खा गए, सब कुछ 200 रुपए को 150 रुपए आउट हो रहा है। हाँ। इंडिया के हिसाब से पिच बनी है, मैच फिक्स है, सीधा सीधा फिक्स कैसे हो गया ना भाई? उनकी बॉलिंग भी तो बड़ी डेंजरस है, ब्लॉक बॉलिंग कर रहे हैं, स्कोर तो किसी को मार नहीं रहे। ऐसे है कि पिच उन्होंने अपने हिसाब से बनाई है, कोई दूसरा खेल नहीं सकता उस पिच पे। जो भी खेल रहा है 150-200 बना रहा है, इंडिया 400 बना रहा है और 150 रन पे आउट कर रहा है, क्या मसला है? ये पूरी दुनिया खेलने वाले खिलाड़ी है, कोई भी नहीं खेल रहा भाई। अच्छी अच्छी टीमें, अच्छी 10 टीमें, 10 टीमें हैं, 10 टीमें हैं, 10 टीम में तो सेटिंग है सारी यार। कोई तो बॉलिंग में चलेगा ना, कोई तो बॉलिंग में चले, कोई तो पाकिस्तान की कोई नहीं चल रहा है। पाकिस्तान की सब तैयारी करके आए हुए हैं ना, एक बॉलर नहीं चला है, शाहीन शाह भी, शाहीन आफरीदी भी नहीं चल रहा है। उस पिच पे बॉलिंग फेल हो रही है ना, पिच पे बॉलिंग फेल हो जा रही है। सबको रगड़ लें जो आपके आगे आना, आगे आओगे क्या? तो वही बात होगी ना, नाचना आए आंगन टेढ़ा होते ना, आप उनको एक साइड रख दो। इंडिया क्या करता है, जो उसका प्रोफेशनल बॉलर है, प्रोफेशनल जो बॉलर है, हां उसका मैच विनर है, मैच विनर बॉलर, उसको एक तरफ कहता है बाहर की लीग, हां बाहर की लीग, सही बात है, बाहर की लीग खेलने नहीं था वो, यूं क्या बाहर वो अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे भाई? उनका आईपीएल आईसी से बड़ा इवेंट है बाहर। पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो कोचिंग से है, जैसे वसीम अकरम है, वकार वाले बैठे हैं, उनको नहीं देते। बाहर से अपन कोच या कोई भी चीज़ लेके आते हैं, मैनेजमेंट सारी बाहर की होती है। अगर इंजमाम लगता अभी उसने अपने भतीजे को वन डाउन, वो एक एक मैच भी नहीं खेल सका, मेरिट नहीं है, मेरिट बिल्कुल, मेरिट की धज्जियां उड़ा दी है पाकिस्तान ने, सब शायक इनके दिल तोड़ दिए हैं। फुल चांस था, अल्लाह ताला तो साथ देता है। इंडिया के, अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान वाहिद दो ऐसे मुल्क हैं जिसके अंदर क्रिकेट गेम नहीं है, ये इमोशन है, ये जंग है, और हम इतनी बुरी तरह हारे हैं, वापस आ रही है, इस वजह से ही हारे हैं कि भाई उनकी मैनेजमेंट सही नहीं है। ये कैप्टन होता है तो कैप्टन की बात नहीं रखी जाती है, कैप्टन के फोन नहीं उठाए जाते। अगर चेयरमैन है बोर्ड का, वो कैप्टन के फोन नहीं उठा रहा है तो जाहिर सी बात है वो तो हार्डली होते हैं। सो बेसिकली आप सभी ने देखा भाई साहब कि किस लेवल का जो है ये क्रेज है, और कुछ लोग भाई इससे नाखुश भी हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम बता रहे हैं। जैसा होता है नाचना जाने आंगन टेढ़ा,
कि आपको नाचना नहीं आता हो, फिर आप कहते हो कि आंगन ही टेढ़ा है या स्टेज में प्रॉब्लम है। सेम वही चीज कुछ इसमें एक भाई साहब ने बोला कि पिच जो है पाकिस्तान मतलब इंडिया ने अपने हिसाब से बनाई हुई है। जैसे एंकर पूछ भी रही है ना कि 10 के 10 मैच जो इंडिया जीता है अभी तक करके, तो वो कह रहे हैं ये सब वो था क्या बोलते हैं सेटिंग था, पहले से ही सारा सेटिंग था। बट हालांकि क्या है, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं विराट कोहली को, कह रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं, तो कुछ लोग हैं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस ये है ना जो टीम जीती है उसको अप्रिशिएट करना होता कर रहे हैं। और ये सही भी है, जो जीता है तो उसको ही ना अप्रिशिएट करे। अरे मतलब चलो ठीक है, तो वर्ल्ड कप है अभी, इससे पहले जो एशिया कप हुआ था, एशिया कप में भी इंडिया जीता था, एशिया कप इंडिया लेके आया, उसमें भी काफी लोग, उसमें भी फिक्स था। मतलब अब अगर वर्ल्ड कप भी जीतता है, वर्ल्ड कप भी जैसे मुझे लगता है कि फाइनल जो होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं जाके आप देख सकते हैं कि ये जो चीजें हैं ना, कुछ लोग जल रहे हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट कर, जो मैच को मैच की तरह देख रहे हैं, और एज अ ईमानदार क्रिकेटर और हो सकते हैं क्रिकेट लवर हैं, तो वो उनको पता है कि रियलिटी क्या है, और जिनको नहीं पता वो उनको वही है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं वो ना, फिर वो चीजें लेके आते हैं, सेटिंग है सारा का सारा पहले से करा धराया है, मैदान में चिप लगाया हुआ है, उनकी टीम स्ट्रॉन्ग है, उनके प्लेयर्स ज्यादा अच्छे हैं, ये है तो है, फिर तो बोलने वाली बात होती है, उसको छोड़ दो आप। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आप अपनी राय बताइए कि वर्ल्ड कप फाइनल में कौन सी टीम जीतेगी, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।